समझिएगा, मैंने आपको कोहेसिव फोर्स बताया था. व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? इट इज द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कोहेसिव फोर्स बोलते हैं. और डिफरेंट मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं. एक हुआ कोहेसिव और एक हुआ क्या? एडहेसिव, ठीक है. एक हुआ क्या? कोहेसिव और एक हुआ क्या? एडहेसिव. बाकी अगर आपको लगता है कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ठीक है, समझ में आ गया था, तो देख लीजिए. एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब होता है, इट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट. इस कर्व पे मैंने ये टेंजेंट खींच दिया विद द वॉल ऑफ कंटेनर. इट इज द एंगल मेड बाय, इट इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट टू द मेनिसस, टेंजेंट टू द मेनिसस विद वॉल ऑफ कंटेनर. क्या कहलाता है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. इधर कॉन्वेक्स मेनिसस है और यहां पे कॉन्केव. इधर पे थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है, इधर पे एक्यूट. बट खास बात ये है, कॉन्वेक्स वहां बनता है जहां पे कोहेसिव ज्यादा होता है, इससे एडहेसिव से. और जहां पे एडहेसिव ज्यादा होता है वहां क्या बनता है? एक्यूट बनता है. एडहेसिव मतलब कि फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. ये जो कंटेनर है, ऑब्वियसली मे बी कांच का होगा, ग्लास का होगा, और जो वाटर है वो वाटर है. ग्लास सॉलिड है, वाटर लिक्विड है. दो अलग अलग सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एडहेसिव फोर्स बोलते हैं. इधर एडहेसिव कम है, इधर कोहेसिव ज्यादा है. वाटर वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, वाटर वाटर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो कैसे सरफेस बनेगा? कॉन्वेक्स बनेगा. और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या रहेगा? ऑब्ट्यूज रहेगा. इधर पे ना ये ग्लास ने वाटर को खींच लिया, इधर तक ग्लास ने वाटर को खींच लिया, इधर तक तो खींच लिया, तो एंगल कैसा आ गया? एक्यूट आएगा. क्या आएगा एंगल? एक्यूट. मतलब यहाँ पे कौन ज्यादा है? एडहेसिव ज्यादा है. कौन ज्यादा है? एडहेसिव. व्हाट इज द एडहेसिव फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट सब्सटेंसेस. और कोहेसिव क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द क्या, क्या बोलेंगे? द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम सब्सटेंस. आ गया समझ में? तो आपको कोहेसिव एडहेसिव भी आ गया. कोहेसिव ज्यादा होगा तो क्या बनाएगा? ऑब्ट्यूज बनाएगा. एडहेसिव ज्यादा होगा तो क्या बनाएगा? एक्यूट बनाएगा. ऑब्ट्यूज बनाएगा तो कॉन्वेक्स होगा, और एक्यूट बनाएगा तो एडहेसिव. क्या होगा? एक्यूट बनाएगा तो कॉन्केव होगा. तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? इट इज द एंगल. कौन सा एंगल? मेड बाय द टेंजेंट. किसका टेंजेंट? टू द मेनिसस. टेंजेंट टू द मेनिसस विद वॉल ऑफ कंटेनर, विद वॉल ऑफ कंटेनर. ठीक है, समझ आ गया? बता दे. चलिए, इसके बाद एक टर्म है मॉलिक्यूलर रेंज. क्या नाम है टर्म का? मॉलिक्यूलर रेंज. जैसे कि होता क्या है, हर व्यक्ति की रेंज का मतलब यह है जहां तक उसकी चलती हो. ठीक है, जैसे मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इसको क्या है? कलपटी दबा के मार सकता है. ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये पहला मॉलिक्यूल है, ये बेचारा इसको कुछ नहीं कह सकता. ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तो और अच्छा बढ़िया एकदम भन भना के दे सकता है, चाई माई हो जाएगा. ये मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल, ये मैं हूं, ये सूजल है. सोच लो सूजल क्या हालत करेंगे. ये जो है ना, ये देखो, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ नहीं है. उसकी रेंज कहां तक है? यहां तक है. वो मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अप टू विच या अप टू वेयर अ मॉलिक्यूल कैन इन्फ्लुएंस द अनदर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट द अनदर मॉलिक्यूल. क्या बोलेंगे? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर रेंज? इट इज द सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. दो मॉलिक्यूल्स के बीच का वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, दैट इज द मॉलिक्यूलर रेंज. क्लियर? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर रेंज? इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस
बिटवीन द मॉलिक्यूल्स अप टू वेयर वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स द अनदर मॉलिक्यूल. दो मॉलिक्यूल्स के बीच का वो मैक्सिमम सेपरेशन, वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को आसानी से क्या करे, झकझोर सके, है ना. क्या कहलाता है वो? मॉलिक्यूलर रेंज कहलाता है. कहलाता है मॉलिक्यूलर रेंज. जनरली सॉलिड और लिक्विड में लगभग 10^-9 मीटर होती है. लगता है ये मैंने इलास्टिसिटी में आपको बता रखा है ना. तो मॉलिक्यूलर रेंज जो है सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्रोक्सीमेटली 10^-9 मीटर होती है. समझ गए. एक और वर्ड होता है स्फेरिकल इन्फ्लुएंस. स्फेरिकल इन्फ्लुएंस ये थोड़ा सा नया और अजीब शब्द है. या इन्फ्लुएंस ऑफ स्फेयर. इन्फ्लुएंस ऑफ स्फेयर असल में है क्या, इसमें कोई स्फेयर होता नहीं है, डिजाइन करना पड़ता है. जैसे ये मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं, किसी मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं. मैंने ना इधर एक स्फेयर बना दिया, स्फेयर बना दिया, स्फेयर बना दिया, स्फेयर. अगर हमारे पास बहुत सारे क्या हो, मॉलिक्यूल्स हो, उन मॉलिक्यूल्स को सेंटर मान के, मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान के अगर हम कोई स्फेयर ड्रॉ करते हैं, तो इस स्फेयर में जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये सेंटर वाला मॉलिक्यूल सबको अट्रैक्ट करेगा. सेंटर वाला मॉलिक्यूल सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. सेंटर वाला मॉलिक्यूल सबको अट्रैक्ट करेगा. समझ रहे हैं बात को. इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ स्फेयर, या स्फेयर इन्फ्लुएंस, या स्फेरिकल इन्फ्लुएंस. क्या समझा आपने? अगर मान लीजिए हमारे पास किसी मटेरियल का कोई मॉलिक्यूल है, हम उस मॉलिक्यूल को सेंटर मान के एक डेफिनेट रेडियस का स्फेयर ड्रॉ करें. वो कौन सी डेफिनेट रेडियस? इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर रेंज. इक्वल टू द क्या? मॉलिक्यूलर रेंज. मॉलिक्यूलर रेंज जितनी डिस्टेंस या रेडियस का हम क्या ड्रॉ कर दें, स्फेयर ड्रॉ कर दें, तो उस स्फेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे, उस स्फेयर में जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे सबको वो सेंटर वाला मॉलिक्यूल क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो इसका मतलब है ये सराउंडिंग के सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या रहेंगे, बॉन्डेड रहेंगे. आपस में क्या रहेंगे, मतलब कह देना चाहिए कंबाइंड रहेंगे ड्यू टू द इन्फ्लुएंस या ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इसी इन्फ्लुएंस को अपन क्या बोलते हैं, स्फेरिकल इन्फ्लुएंस बोलते हैं, या इन्फ्लुएंस ऑफ स्फेयर बोलते हैं. आया समझ में? क्या समझ में आया? कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग के हर मॉलिक्यूल को अपने से बांध के रखता है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स. इसी बांधने की जो प्रोसेस है ना, इसी का जो एक कंबाइंड स्फेयर फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं स्फेयर इन्फ्लुएंस, या स्फेरिकल इन्फ्लुएंस, या इन्फ्लुएंस ऑफ क्या, स्फेयर बोलते हैं. समझ में आ गया? चलिए, तो आपको मॉलिक्यूलर रेंज पता चल गई और ये क्या पता चल गया, स्फेरिकल इन्फ्लुएंस. अब एक नई टर्म देखिएगा, नया वर्ड इसी चीज से, स्फेरिकल इन्फ्लुएंस से ही क्रिएट होता है. मिटा दे बेटा इसको. नया वर्ड सरफेस टेंशन, सुना होगा आपने, अच्छा देखा भी होगा. मलाई देखी, मलाई, मलाई नहीं देखी. अच्छा समझिएगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे सामने, सरफेस टेंशन. क्या है? सरफेस टेंशन. समझिएगा सरफेस टेंशन का क्या मतलब है, देखते हैं. आपने मलाई देखी, मलाई कितने लोगों ने मलाई देखी है? आपके पेरेंट्स मलाई दिखाते बस आए आपको, ये तो अन्याय हो रहा है आपके साथ. अच्छा अच्छा खाई भी आपने? अच्छा अच्छा आपको बोलना चाहिए खाई है, तो खाने में सब हो जाएगा, देखना सुनना खब खाना सब, बिना देखे थोड़ी खाई होगी. तो मलाई देखी आपने, है ना. अगर दूध गर्म है तब ज्यादा मलाई बनती है कि जब वो ठंडा हो जाता है? जब ठंडा हो जाता है. अच्छा, किसी कन्या ने बोला है सबसे पहले, अनुभव बोलता है ये सब, रोज इनका यही काम है. सवेरे से ड्यूटी रहती है, बोले पोछा तुम लगाओगे, झाड़ू फलानी लगाएगी, रोटी वो बनाएगी, तुम दूध पकाओगे, है ना. ठीक है, सुबह की चाय ये बनाएगी, शाम की चाय तुम बनाओगी, मतलब ऐसे ठीक रहता है. महिलाएं बहुत होनहार होती है.
समझिएगा, तो ठंडा होने के बाद ज्यादा मलाई बनती है ना। अच्छा, अगर मान लो वो सामान्य तौर पे ठंडा होने दे तब ज्यादा मलाई जमती है, जब उसको फ्रिज में रख देते तब ज्यादा बनती है, बताओ? ठीक, मतलब आप लोग के यहाँ फ्रिज भी है, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइएगा, आपको कैसा खाना पसंद है, गर्म खाना पसंद है कि ठंडा खाना पसंद है? ऐसा कौन व्यक्ति इसको ठंडा खाना पसंद है, मतलब गरम का मतलब इतना गरम नहीं, मतलब कि मुंह में रख ही ना सको इतना, है क्या हो गया? चलो ठीक, समझिएगा बात को। तो कहने का मतलब यह है कि वो जो खाना है, आपको गरम खाना पसंद है कि ठंडा खाना पसंद है? गरम, हर एक को गरम पसंद है। क्यों पसंद है भाई गरम, ऐसी क्या खास बात है गरम में, बताइए? गरम खाना क्यों पसंद है आप लोग को, कोई रीजन है? क्या 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 लेते, फिर से बोलो, क्या बोले नैतिक, बताओ? स्वाद, गरम में ज्यादा स्वाद आता है क्या, है? अरे बताओ भैया, कोई बोलते ही नहीं, आप लोग खाते पीते नहीं हो क्या, मतलब सीधे नली से अंदर डिलीवर होता है क्या भोजन, कोई खाने के बारे में बताते ही नहीं है? खाते हो ना, ठूस ठूस खाते हो कि पता है मुझे 15-25 रोटी पूरी तो पता ही नहीं चलती हुई कहां चली गई, हैं? बताइए। ठीक, तो बताओ तो फिर क्या, कितनी? ठीक ठीक, तो मैं कह रहा था कि गरम खाना और ठंडे खाने में क्या डिफरेंस है, बोलिए, गरम भोजन में और ठंडे भोजन में क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं खा लेते ठंडा, ठंडे में क्या दिक्कत है, बताइए। एक्चुअल में है क्या, जो गरम भोजन है, गरम भोजन मतलब गरम और ठंडा मतलब ठंडा, तो गरम में जो सरफेस टेंशन है वो बिल्कुल नहीं रहता। जैसे आप एक बात समझना, आपने दाल सब्जी भी खाई होगी तो गरम दाल सब्जी तैयार होकर निकले उसके बाद थोड़ी देर रुक जाओ तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो दाल और सब्जी के ऊपर भी एक मलाई जम जाती है, देखा आप लोगों ने कभी, देखा किसी ने इस टाइप से? ठीक है ठीक है। असल में होता क्या है कि ये जो गरम और ठंडे वाला सिस्टम है इसका मेन लेना देना है सरफेस टेंशन से। एक्चुअल में होता क्या है कि जब भोजन पूरे मुंह में फैलता है, जब भोजन पूरे मुंह में फैलता है, पूरी जीभ में फैलता है, मतलब ज्यादा एरिया फैलता है तो ज्यादा मजा आता है, ज्यादा स्वाद आता है। लेकिन जो ठंडा भोजन है वो कम फैलता है, क्योंकि जो गर्म भोजन है उसका सरफेस टेंशन जीरो रहता है। अभी थोड़ी देर में बताने वाले सरफेस टेंशन क्या है, गर्म भोजन का सरफेस टेंशन लगभग जीरो रहता है, जबकि ठंडे भोजन में अच्छा खासा सरफेस टेंशन होता है। तो ठंडे भोजन में अगर सरफेस टेंशन है तो पूरे जीभ में, पूरे मुंह में नहीं फैलता, पूरे मुंह में नहीं फैलता, इस वजह से वो जो कहना चाहिए गर्म भोजन है, वो ठंडा भोजन है, वो पूरे जीभ में नहीं फैलता, पूरे मुंह में नहीं फैलता, तो बड़ा टेस्ट नहीं आता ज्यादा वाला। लेकिन जो गर्म भोजन है पूरे मुंह में फैलता है, पूरे जीभ में फैलता है, इस वजह से ज्यादा टेस्ट आता है, ज्यादा जीभ को कवर करेगा तो ज्यादा टेस्ट आता है, इसलिए लोगों को गर्म खाना अच्छा लगता है। अच्छा एक चीज बताओ, आपको कपड़े धोने के लिए सिर्फ पानी बस का यूज क्यों नहीं करते, डिटर्जेंट वगैरह क्यों मिलाते हो, बताइए क्या इंटेंशन है कपड़े धोने के लिए अपन पानी के साथ निर्मा ये सब दुनियादारी डालते हैं, बताइए? डेड मॉलिक्यूल्स, तो डेड मॉलिक्यूल्स क्या उसकी वजह से आते हैं, क्या कहते हैं आपके निर्मा की वजह से जाएंगे क्या, हैं?
नहीं तो मिसेल फॉर्म होना समझ नहीं आ रहा, वो तो मतलब डिटर्जेंट से मिसेल तो फॉर्म होता है, निर्मा डालने का क्या फायदा है, क्या मेन इंपॉर्टेंट क्या काम करता है वो? कपड़े साफ हो जाते हैं, रीजन क्या है उसका? रीजन क्या है बोलिए? क्या प्रॉब्लम है? मालूम है किसी को? बोलिए। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। मेन पहला रीजन तो यही है कि सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना? सरफेस टेंशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझिएगा सारी कहानियों का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन, ठीक है? हमें भोजन गर्म अच्छा लगता है सरफेस टेंशन की वजह से, हम गर्म पानी में कपड़े धोना पसंद करेंगे ज्यादा अच्छे साफ करने के लिए सरफेस टेंशन की वजह से, नालियों वगैरह में अपन मिट्टी तेल वगैरह डालते हैं मच्छर मारने के लिए, वो भी किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। आपको समझिएगा एक टर्म है सरफेस टेंशन, होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में ना फ्लूड भरा हुआ है, बात समझिएगा, फ्लूड लिक्विड, मैं बोल दूं वाटर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको सब एक्सेप्टेड रहना चाहिए, फ्लूड लिक्विड वाटर सब चलेगा, सब चलेगा, समझिएगा। मान लीजिए ना कोई मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये स्फीयर बना लेगा और सबको अपने तरफ क्या करेगा, खींच के रखेगा, खींच के रखेगा, ठीक है, समझिएगा। इधर पे कोई होगा वो स्फीयर बना लेगा, सबको अपने साइड ना खींच के रखेगा, ठीक है, खींच के रखेगा, समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से। कोई मॉलिक्यूल इधर है, कोई मॉलिक्यूल अगर इधर है तो वो इधर तरफ तो बना लेगा लेकिन इस साइड नहीं बना पाएगा। इसमें क्या है, ये वाला इस वाले को कैंसिल कर देगा, ये वाला इस वाले को, ये वाला इस वाले को, ये वाला इस वाले को, ऐसे ये एक दूसरे के अट्रैक्शन को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे। लेकिन जो ये वाला है, इस वाले को लोग ऐसे खींच रहे हैं, बाहर तो वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं है क्योंकि ये सरफेस पे है, तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन है ना वो इफेक्टिव है क्योंकि अंदर वाला क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि ये खींच रहा इस तरफ, ये खींच रहा इस तरफ बैलेंस, ये खींच रहा इस तरफ, ये खींच रहा इस तरफ बैलेंस, ये खींच रहा इस तरफ, ये खींच रहा बैलेंस, इस तरीके से ये क्या हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन इस केस की बात करो, ये चारों तरफ को खींच रहा है लेकिन ऊपर तरफ कुछ नहीं खींच पा रहा है क्योंकि ऊपर कोई है ही नहीं खींचने खिंचाने वाला, तो होगा क्या, इस वाले मॉलिक्यूल में स्ट्रेच आ जाएगा, क्या जाएगा, स्ट्रेच। आगे समझिएगा, इसमें भी क्या आ जाएगा, एक स्ट्रेच आ जाएगा, लो इसमें भी क्या आ जाएगा, स्ट्रेच आ जाएगा, समझ रहे हैं बात को, इसमें भी क्या आ जाएगा, स्ट्रेच आ जाएगा। तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, सिर्फ सरफेस के, सरफेस के मॉलिक्यूल्स में वही इन्फ्लुएंस ऑफ स्फीयर वाले पैटर्न से क्या होता है, एक स्ट्रेच एक्सपीरियंस होता है। तो सरफेस के हर मॉलिक्यूल को एक स्ट्रेच एक्सपीरियंस होगा, जिससे हम सरफेस की अगर अपन लेयर को देखेंगे या ओपन सरफेस की सरफेस को देखेंगे तो हमको वो खिंची हुई समझ में आएगी, क्योंकि देख रहे हो ना आप, रीजन ये उसका खिंचे रहने का, ठीक है ना, वो स्ट्रेच्ड दिखेगी, क्या दिखेगी, स्ट्रेच्ड। तो ऊपर ना एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन जाएगी, क्योंकि ये चीज सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स बस में होना है, अंदर वाले तो बैलेंस है, सिर्फ कहां होना है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स के लिए। तो जो अपर सरफेस है, जो अपर लेयर है ना, जो ओपन सरफेस है किसी कंटेनर में लिक्विड की, वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे बिहेव करती है, ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ क्या, स्फीयर, या ड्यू टू द स्फेरिकल इन्फ्लुएंस, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से इस ओपन सरफेस में हम एक स्ट्रेच्ड फिल्म वाली फीलिंग लाएंगे, क्या फील करेंगे, हम स्ट्रेच्ड फिल्म वाली फीलिंग देखेंगे, ये ना इसको खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्ट्रेच्ड हो जाएंगे, वहां पे हमको एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन दिखेगी। वो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन का मतलब है कि सरफेस पे क्या है, टेंशन है, सरफेस पे क्या है, टेंशन, और उसकी टेंडेंसी है कि हम मिनिमम सरफेस एरिया क्या करें, कवर करें, क्योंकि आप इसी को देखिए ना, ये क्या करता है, इन सब मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी सब मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी सबको अट्रैक्ट, ये भी सबको अट्रैक्ट,
एक्सपेंशन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सब लोग मॉलिक्यूल्स को, सरफेस के सारे मॉलिक्यूल्स, अपने सराउंडिंग के सारे मॉलिक्यूल्स को अपने अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरफेस में ना एक स्ट्रेच एक्सपीरियंस होगा। सरफेस में क्या एक्सपीरियंस होगा, एक स्ट्रेच एक्सपीरियंस होगा। तो किसी भी लिक्विड में, किसी भी लिक्विड कंटेनर की जो ओपन सरफेस होती है, वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे वर्क करती है। जैसे वर्क करती है, एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे वर्क करती है, जिसकी टेंडेंसी होती है टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम एरिया कवर करे, मिनिमम एरिया क्या करे, सराउंड करे। तो उसकी टेंडेंसी होती है मिनिमम एरिया कवर करने की। इसी फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं, टेंशन इन सरफेस। तो याद रखें, किसी भी लिक्विड कंटेनर में लिक्विड की ओपन सरफेस को हम देखते हैं कि उसके मॉलिक्यूल्स में इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से एक स्ट्रेच एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब वो ओपन सरफेस एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे वर्क करती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे बिहेव करती है। आई बात समझ में? और उसकी टेंडेंसी होती है टू ऑक्यूपाई द मिनिमम सरफेस एरिया। तो इस टाइप के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन बोलते हैं। आया समझ में? तो हाइड्रोस्टेटिक्स का ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, सरफेस टेंशन। क्या होता है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एक्चुअल में है क्या, ये एक फोर्स है पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, एक फोर्स है पर यूनिट लेंथ। एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट ना करता तो ये जो सरफेस है ये स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे वर्क नहीं करती। ये क्यों करती है, उसके अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। मतलब सरफेस टेंशन के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल क्या, फोर्स, ठीक है ना। लेकिन पूरी लेयर में जो स्ट्रेच अपन ने देखने को मिला, जो फोर्स देखने को मिला, उसको अपन क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। तो व्हाट इज द सरफेस टेंशन, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। व्हाट इज द सरफेस टेंशन, इट इज द फोर्स पर यूनिट क्या, लेंथ। इसकी यूनिट क्या होती होगी, यूनिट, इसकी यूनिट होती होगी न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन क्या होती होगी, डायमेंशन बताइए जल्दी से, एम टी माइनस क्या, टू। क्या प्रॉब्लम है, सिंबल क्या है इसका, सिग्मा है। तो व्हाट इज सरफेस टेंशन, द ओपन सरफेस ऑफ द लिक्विड कंटेनर, या लिक्विड कंटेनर ऑलवेज बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड इट्स टेंडेंसी टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। दिस इफेक्ट ऑफ द ओपन सरफेस ऑफ लिक्विड कंटेनर या लिक्विड कॉल्ड क्या, सरफेस टेंशन। इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर और डायमेंशन होगी एम टी माइनस टू। कोई प्रॉब्लम है जल्दी बताओ, समझ में आ गया आपको, सरफेस टेंशन क्लियर हो गया, छाप लीजिए इसको जल्दी से, नोट करिए। चलिए समझिएगा, एग्जांपल्स ऑफ सरफेस टेंशन, क्या क्या देखने को मिलता है अपन सरफेस टेंशन में, है ना। सबसे पहले तो समझिए, अगर कोई ग्रीज्ड निडल है, या निडल ना भी समझे तो आप है समझे कि फ्लोटिंग पेपर जो होता है, या टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर, अगर अपन यहां पर कहीं इंक पड़ी हुई है और अगर अपन टिश्यू पेपर को उसके ऊपर रख दें, यहां सूख जाएगा जो टिश्यू पेपर है, पूरी की पूरी इंक को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, समझ रहे हैं बात को। वो जो टिश्यू पेपर है वो पूरी पूरी इंक को क्या कर लेगा, यहां से एब्जॉर्ब कर लेगा। किसकी वजह से है ये, सरफेस टेंशन की वजह से। आपने देखा होगा एक अच्छी चीज कि मान लीजिए अपन एक धागा ले लेते हैं, ठीक है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, बेस्ट एक्सपेरिमेंट, एक धागा लेते हैं, धागा को आपस में बांध देते हैं, धागा में कोई एंड न रहे, एक लंबा धागा लो, उसको दोनों तरफ से बांध दो, धागा में कोई एंड न रहे, और उस धागे को कैसे भी सजा के जड़ डालने की जरूरत नहीं है, कैसे भी एक टब में डाल दो, उस टब में ऑलरेडी क्या रहे, वॉटर रहे, और सिर्फ वॉटर ना रहे, कुछ डिटर्जेंट भी मिला हो, क्या मिला हो, डिटर्जेंट। आपने कैसा भी धागा डाला हो, थोड़ी देर में देखना धागा कुछ इस टाइप का दिखाई देगा आपको। और कंटेनर अगर रेक्टेंगुलर है तो शायद इस तरीके का दिखाई देगा, समझ रहे बात को, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अगर आप उस एंडलेस धागा को, चूंकि ये चीज आपको बहुत कम ही दिखी होगी कहीं पे, उसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि एंडलेस धागे को अगर आप ऐसे लिक्विड कंटेनर में डालते हैं जिसमें इम्प्योरिटी मिक्स है, डिटर्जेंट मिक्स है, अगर आप उसमें डालते हैं तो आप क्या देखेंगे कि जिस टाइप का सरफेस होगा आपका धागा भी उसी ज्योमेट्री में, उसी शेप में ढल जाएगा,
समझ रहे हैं बात को? ये किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि मैंने बताया ना सरफेस जो है स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसे काम करती है। जब चारों तरफ से मॉलिक्यूल जिसको अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसमें सोप बबल सोप इसमें क्या जाएगी लग जाएगी, वो सोप के मॉलिक्यूल सोप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि जब दसों तरफ से अट्रैक्ट करेंगे, हर तरफ से अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे स्फेयर बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, क्या बन जाएगा सर्कल। अगर वो इस टाइप का कंटेनर होगा तो इस टाइप की ज्योमेट्री बन जाएगी, ऐसा कंटेनर होगा तो ऐसी ज्योमेट्री बन जाएगी। ट्राई कर लीजिएगा। किसकी वजह से होता है ये? सरफेस टेंशन की वजह से होता है। किस वजह से होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। आ गया समझ में? छापो इसको। तो पहला तो ये कि जो फ्लोटिंग पेपर है या टिश्यू पेपर है वो इंक को बहुत तेज एब्जॉर्ब करता है, ये सरफेस टेंशन है। दूसरा क्या, अगर अपन एंडलेस थ्रेड को डिटर्जेंट वाले लिक्विड में डालते हैं तो वो कंटेनर के शेप का सरफेस बना लेता है। तीसरा आप देखिएगा, हमेशा जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो कैसी होती हैं? स्फेरिकल होती हैं। देखा आपने पानी की बूंदें कैसी गिरती हैं? स्फेरिकल, ऐसा अपन कंसीडर करते हैं, गिरती भी हैं ऐसी। हमेशा वाटर ड्रॉप्स कैसी गिरती हैं? स्फेरिकल। रेन ड्रॉप्स, वाटर ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स हमेशा कैसी गिरती है? स्फेरिकल। वो जो मरकरी के छोटे छोटे कह देना चाहिए वो है ना, मरकरी के जो छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं या ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम उनको बड़ा करते जाते हैं, जैसे ही बड़ा करते जाते हैं तो वो फ्लैट होने की कोशिश करते हैं, और जो सबसे बड़ा होगा वो तो बिल्कुल समझ लो फ्लैट ही रहता है, जो छोटा होगा वो कैसा रहेगा? स्फेरिकल। क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग जो है काफी अच्छी है, इसमें इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग कम अच्छी है, इसमें और कम अच्छी है, इसमें और घटिया है, और इसमें तो महाघटिया है, कोई इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग का लक्षण दिख नहीं रहे हैं। तो ये किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। किस वजह से? सरफेस टेंशन। इसमें सरफेस टेंशन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है, स्फेरिकल है। इसमें सबसे कम है, अट्रैक्शन कम है, ये क्या हो गई? फ्लैट एंड हो गई। कैसी हो गई? फ्लैट एंड। और समझिएगा, और क्या देख सकते हैं आप? बग जानते हो? बग, मच्छर वगैरह, कीड़े वगैरह, नहीं जानते? वो क्या करते हैं? वो लिक्विड सरफेस पे तैरते रहते हैं। जो बग वगैरह हैं वो लिक्विड सरफेस पे तैरते रहते हैं। तैरने का रीजन क्या है? कि सरफेस पे सरफेस टेंशन कुछ ना कुछ तो होता है ना, और उस सरफेस टेंशन की वजह से वो लोग क्या है, ऊपर तैरते रहते हैं। आपको क्या लगता है, अपन जब कई बार, अभी तो नया जमाना है, अब नाली वगैरह देखने को नहीं मिलती, पहले के टाइम पे नालियों में मिट्टी का तेल डलता था, या मिट्टी का तेल नहीं डलता था तो कुछ ऐसा लिक्विड डलता था नालियों में। किस लिए डालते थे मालूम आपको? मच्छर मारने के लिए। तो क्या वो जो आपने डाला है क्या उससे मच्छर मरते हैं? नहीं, उससे मच्छर नहीं मरते, उससे ये होता था कि अब मच्छर का प्रोडक्शन क्या है, रुक जाएगा। प्रोडक्शन कैसे रुकेगा समझिएगा, जो मच्छर है, जैसे नाली है, नाली नाली में सरफेस टेंशन होगा, नाली वाले पानी में ऊपर, उस सरफेस टेंशन से यहाँ एक लेयर बन चुकी होगी, एक फिल्म बन चुकी होगी, ठीक है ना, एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन बन गई होगी। तो मच्छरों ने अपने यहाँ अंडे दे रखे हैं, मच्छरों ने अंडे दे रखे हैं, बहुत सारे अंडे, बहुत सारे अंडे। धीरे से आपने मिट्टी का तेल डाल दिया, सरफेस टेंशन खत्म हो गया। जैसे ही सरफेस टेंशन खत्म हो जाएगा, ये सारे अंडे क्या हो जाएंगे? डूब जाएंगे, और मच्छर क्या है? समाप्त। ऐसे अगर आप उनकी संख्या कम करते चले जाओगे तो वो शिफ्ट हो जाएंगे कहीं और, छोड़ देंगे उस जगह को, इसलिए मिट्टी तेल डालते थे। तो सरफेस टेंशन इतना सफिशियंट होता है, से मलाई है, दूध की मलाई आप देखो फ्रिज से निकालने के बाद, अगर आप उस पे ना थोड़ा बहुत, मैं कह रहा हूँ कि सुई वगैरह डाल दो ना, सुई वगैरह कुछ तो वजन रहता है, सुई वगैरह रख दो तो रखी रहेगी सुई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा मोड़ा 5-7 ग्राम का कुछ भी आइटम रख दो ना, रखा रहेगा उसमें, अपने कान आने वाले झुमका उमका निकाल के रख देना, ना गिरेंगे ना डूबेंगे, इतना मतलब पर्याप्त अच्छी मेम्ब्रेन रहती है, लेयर रहती है। ये सब सरफेस टेंशन है, ठीक है ना। तो क्या क्या समझा आपने? पहला क्या आपका कहते हैं फ्लोटिंग पेपर वाला, दूसरा क्या आपका कहते हैं एंडलेस थ्रेड वाला जो कि कंटेनर के शेप साइज का हो जाता है, और तीसरा आपका रेन ड्रॉप्स जो हमेशा रेन ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल होती हैं, चौथा मरकरी की जो छोटी ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल और बड़ी क्या फ्लैटेंड, और बग जो है वो इसकी सरफेस पे करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, की वजह से सरफेस टेंशन की वजह से। आया समझ में, है ना। ये सारी चीजें क्या है? सरफेस टेंशन के एग्जांपल हैं। हमको हमारे यहाँ घरों में दूध में मलाई जम जाती है, किस वजह से?
सरफेस टेंशन की वजह से। हमको गर्म खाना खाने में अच्छा लगता है किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। समझ में आ रहा ना? तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने किसके, सरफेस टेंशन के। अब आप जानने की जरूरत है कि सरफेस टेंशन का कॉजेस क्या है, सरफेस टेंशन होता कैसे है, ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन होता तो लिक्विड के सरफेस पे है, लेकिन उसके लिए सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। क्या आता है, क्या है, टेम्परेचर है सबसे इंपॉर्टेंट। और सेकेंड नंबर पे है मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटीज, मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटीज, समझिएगा, मिक्सिंग ऑफ क्या, इंप्योरिटीज, समझिएगा। पहले नंबर क्या है, टेम्परेचर, और दूसरा क्या है, मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटीज। दो टाइप की इंप्योरिटीज, एक सॉल्युबल और दूसरा क्या, इनसॉल्युबल, ठीक है, एक सॉल्युबल और दूसरा क्या, इनसॉल्युबल, एक सॉल्युबल और दूसरा क्या, इनसॉल्युबल। चाहे आप सॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करें या चाहे इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करें, दोनों केसेस में सरफेस टेंशन खत्म ही होता है, ठीक है ना। चाहे आप सॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करें और चाहे इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करें, दोनों केसेस में क्या होता है, सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है। हाँ, कुछ केसेस में अगर अपन इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करते हैं, कुछ इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं जो सरफेस टेंशन को इंक्रीज भी करती हैं, है ना। तो पहले तो टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सरफेस टेंशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हो तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होता है। कोई पूछ रहा था क्यों, आप बात समझिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि सरफेस टेंशन क्यों होता है, सरफेस टेंशन होता है ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस टेंशन क्यों होता है, ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस के मॉलिक्यूल को अंदर वाले मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं, सिर्फ इसी वजह से सरफेस टेंशन होता है, ठीक है ना। अगर वो अट्रैक्ट करना बंद कर दें तो क्या सरफेस टेंशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। टेम्परेचर किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, आपको मालूम है, अगर आपने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, अगर अपन किसी मटेरियल को टेम्परेचर देते हैं तो आपको मालूम है सबसे पहले उसका इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग ब्रेक होती है। मालूम है आपको, अगर आप किसी मटेरियल को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसकी इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग क्या होती है, ब्रेक होती है। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग क्या होती है, डैमेज होती है, और उनका इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन क्या होता है, कम हो जाता है। सोचो आप, आपके लिए सरफेस टेंशन कब होता था, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा हो, ठीक है ना। तो अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो आपका काम क्या रहेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस खत्म हो जाएंगे, जो उनके बीच की पैकिंग है वो पैकिंग क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है ना। उनकी बीच की जो इंटरमोलिकुलर पैकिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जब वो पैकिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो टेंशन होने की गुंजाइश ही नहीं है। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स रह ही नहीं जाएगा तो वो सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, और सरफेस टेंशन लगभग लगभग खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या होता है, खत्म होता है, जीरो हो जाता है। और टेम्परेचर कम करने से सरफेस टेंशन बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से सरफेस टेंशन बढ़ता है। और जब सरफेस टेंशन बढ़ता है तो सरफेस की टेंडेंसी क्या होती है, टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया, टू ऑक्यूपाई क्या, मिनिमम सरफेस एरिया। दूसरा क्या, मिक्सिंग ऑफ इंप्योरिटी, इंप्योरिटी दोनों टाइप की, चाहे सॉल्युबल चाहे इनसॉल्युबल। चाहे आप डिटर्जेंट डालो जो कि सॉल्युबल है, चाहे आप केरोसिन डालो जो कि इनसॉल्युबल है। चाहे आप केरोसिन डालो चाहे डिटर्जेंट, चाहे आप सॉल्युबल डालो चाहे इनसॉल्युबल, दोनों केसेस में सरफेस टेंशन क्या होता है, रिड्यूस होता है। दोनों केसेस में क्या, सरफेस टेंशन क्या होता है, रिड्यूस। अगर आप सॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करते हैं तब भी सरफेस टेंशन कम होगा, अगर आप इनसॉल्युबल इंप्योरिटी मिक्स करते हैं तब भी सरफेस टेंशन क्या होगा, कम। तो चाहे सॉल्युबल मिलाओ चाहे इनसॉल्युबल, दोनों केसेस में सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। आया समझ में, कुछ इनसॉल्युबल में इंक्रीज भी होता है, समझिएगा। ये तो थे कॉजेस, कॉजेस के बाद दूसरा कहानी क्या है, प्रॉफिट क्या है इसके, है ना, एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस क्या है इसके सरफेस टेंशन के, समझिएगा। आपने लैड शॉर्ट्स का नाम सुना है, लैड शॉर्ट्स, आपने कंचे देखे, कंचे 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 कंचे, जैसे मान लो कांच के रहते हैं और लैड शॉर्ट्स लैड के रहते हैं, ठीक है ना। जो लैड शॉर्ट्स बनते हैं, या कंचे ही बोलो थोड़ी देर के लिए, आपने कंचे देखे होंगे जनरली स्फेरिकल, देखिए ना
कंचे कभी देखे किसी ने? कन्याओं ने ना देखे होंगे, क्यों बेटा? देखे कंचे, देखे सबने? कंचे जनरली स्फेरिकल होते हैं, और एक और कंचा होता है डपकुल, देखा आपने? और नीचे से फ्लैट रहता है। ये डपकुल नहीं देखी? अरे कंचों में एक कंचा रहता, नीचे से फ्लैट रहता, वो नहीं देखा किसी ने? ये टूटने के बाद नहीं आता, नहीं वो जब शुरू में ही आता है ऐसा। वो कंचा था नीचे से, वो क्या रहता? फ्लैट रहता है। समझना बात को, एक्चुअल में होता क्या है, नीचे ठंडा पानी रहता है। क्या रहता है? ठंडा पानी। ऊपर क्या है, एक एक बूंद, जैसे अपन बड़ी पकौड़ा बनाते ना, एक एक बूंद ऊपर से क्या गिरता है? गरम उबलता हुआ क्या? लैड गिरता है। क्या गिरता है? लैड। लैड बहुत ज्यादा गर्म लैड, इतना लैड कि वो लिक्विड बन चुका है, ठीक है ना? इतना गर्म लैड कि वो क्या बन चुका है? लिक्विड बन चुका है। वो जब उधर से गिरेगा, अभी इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठंडे पानी में गिर रहा है। जैसे ही ये पानी में गिरता है, जैसे ही पानी में गिरेगा तो क्या होगा, अचानक से इसका टेम्परेचर डाउन होगा। भाई पहले ये उबल रहा था, पानी गिरेगा तो 1 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा। जैसे ही इस पे गिरेगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज होगा। अचानक से टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या बढ़ेगा? सरफेस टेंशन बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन की नियत क्या होती है? टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। तो इसके चारों तरफ के मॉलिक्यूल्स क्या होने लगेंगे? पास पास आने लगेंगे। सरफेस टेंशन बढ़ने से क्या करने लगेंगे? पास पास। जब सब तरफ से पास आएंगे तो वो कैसा बन जाएगा? स्फेरिकल बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? स्फेरिकल।